आज हम देखते हैं यूपी के अंतर्गत रहने वाले ऐसे कैंडिडेट जो बेरोजगार हैं और वो अपना रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं। तो ये ऑनलाइन सर्विस है के अंतर्गत आता है, यानी आप ऑनलाइन अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाइन रोजगार पंजीयन करने के लिए अभी हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है सेवा योजना .up.nic.in। तो ये आपको ओपन करना है, इसका URL आप चाहे तो लिख लीजिए यहाँ से, या फिर आप गूगल पे टाइप कीजिए यूपी रोजगार पंजीयन ऑनलाइन फॉर्म, जिससे आपको रोजगार सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का वेब यानी ये लिंक आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे आप देखिए URL आ रहा है सेवा योजना .up.nic.in। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मेन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर पूरा डिटेल्स इस साइट के अंतर्गत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जिसमें नोटिफिकेशन भी यहाँ जनरेट हो रहे हैं, नवीन सूचनाएं, जिसमें रोजगार मेलों की रिक्ति देखने के लिए भी क्लिक कर सकते हैं, लिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पर। और यहीं पर प्रदेश में चल रहे हैं सूची देख ले मेलो रोजगार मेलों की सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा डिटेल्स इस साइट पर यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लागू किया है, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें करना होता है पंजीयन। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो उनका रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है या जिन्हें रिन्यू करवाना है, तो वो यहाँ पर इस साइट पर जाएं और यहाँ पर ये पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आप क्लिक करिए। यहाँ पर नियोजक है या जो है कि जॉब सीकर है, तो हम जॉब सीकर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देना होगा आपको नाम, और दूसरा है कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर यूज़र आईडी आप बना लीजिए, कोई भी यूज़र आईडी आप बना सकते हैं या तो ईमेल आईडी ही दे सकते हैं आप। और इसके बाद 8 अंकों का पासवर्ड यहाँ पर आपको देना है, पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए है, ईमेल आईडी अटैचमेंट के लिए, तो यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर हमारा जो आईडी देना है वो रोजगार पंजीयन वाला आईडी रहेगा, तो वो आईडी यहाँ पर देना है। और कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं इस प्रकार का जो पहले से न हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूनिक आईडी बनाना होगा और इसको सबमिट करना होगा। चलिए हम देखते हैं, इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना होगा कि जो पासवर्ड आप बना रहे हैं, तो इस पासवर्ड में कॉम्बिनेशन आपको देना है कैपिटल लेटर्स, इसके बाद यूनिक सिंबल्स, स्मॉल लेटर्स और कोई न्यूमेरिक्स। यहाँ पर ये पासवर्ड का कॉम्बिनेशन भी दे रखा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड देना होगा। जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ये आपके मोबाइल पर OTP का ऑप्शन देगा, और OTP आपको मोबाइल पर मिलने के बाद उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर ये प्रोफाइल पेज ओपन हो गया है, जिसमें आपको आपका कंप्लीट डिटेल सबमिट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत डिटेल्स, जिसके अंतर्गत आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना होगा, जिसमें है प्रथम नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये हिंदी में आपको सबमिट करना होगा। वैवाहिक स्थिति यदि है अविवाहित है तो अविवाहित, विवाहित है तो विवाहित। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये पूरा यहाँ पे डालना होगा। जिस पर स्टार लगे हुए हैं ये ऑप्शन मैंडेटरी है, और जहाँ पर स्टार्स नहीं हैं वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेट नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हैं। ये कैटेगरी सर्टिफिकेशन आप यहाँ पर नंबर डालिए, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका कार्यालय कौन सा जनपद आपका लगता है वो आप यहाँ पर डालिए, और उसके अंतर्गत समीपत्य जनपद जो आएगा वो यहाँ पर डालेगा। पहचान में मतदाता प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पर सबमिट कीजिए कंप्लीट, और इसके बाद आपको फ़ोटो लगाना होगा। व्यक्तिगत के बाद संपर्क नंबर में संपर्क में जाएँ, और यहाँ पर आपका आवासीय पता आप यहाँ पे सबमिट करिए। इसके बाद आता है शारीरिक मापदंड, इसके अंतर्गत आपको आपका शारीरिक मापदंड यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में आप अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यताएँ हैं वो एक के बाद एक सबमिट कर दीजिए। जो जो एजुकेशन आपने किया हुआ है, क्वालिफिकेशन आपने किया है,
वो कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट करके और सबमिट कर दीजिए। भाषा ज्ञान, आपको किन किन भाषाओं का ज्ञान है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे अंग्रेजी बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, वो आप सबमिट करिए, सुरक्षित करिए। इसके बाद दूसरी भाषा इसी प्रकार जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी, हिंदी बोलना लिखना पढ़ना और प्रवाहित प्रवाह आता है, प्रवाहित यानी अच्छे से आता है, तो आप प्रवाहित को सिलेक्ट करिए, सुरक्षित करिए। कार्य अनुभव, आपको किस किस फील्ड का नॉलेज है, यदि है तो वो आप इसमें डालिए, नहीं है तो इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद कौशल में, स्किल्स में आपने कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा है तो वो आप यस करिए और यहाँ पर सबमिट करिए। वरीयता, आप प्राथमिकता किसे देना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, किस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्वयं का घोषणा आपको सबमिट करना होगा। जब ये शारीरिक सभी डिटेल सब सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर चेक राइट चेक आएंगे और लास्ट में फिर आपको चेक बॉक्स लगा करके इसको सुरक्षित करना है। इस प्रकार से आप जो है कि रोजगार पंजीयन, अपना खुद का रोजगार पंजीयन घर बैठे ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ आने वाले समय में यदि आप कोई एजुकेशन एक्स्ट्रा करते हैं या स्किल्स आपके पास रहता है या फिर एक्सपीरियंस रहता है तो वो सब कुछ आप ऑनलाइन ही अपडेट कर पाएंगे। साथियों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथी को पहुँचाएँ ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।